जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव को हम व्यय भाव के नाम से जानते हैं। व्यय का दूसरा अर्थ होता है खर्च। हमारा धन जो हमने अपनी मेहनत से, अपनी कार्य कुशलता से, अपने पसीने को बहाकर कमाया है, हर व्यक्ति चाहता है कि वह धन उचित मार्ग पर, उचित स्थान पर, ऐसी जगह इन्वेस्ट हो, ऐसी जगह पर लगे कि जिसका या तो हमें प्राप्ति हो, पुनः प्राप्ति हो, रिटर्न मिले, या उचित स्थान पर जाए जिसकी सार्थकता सिद्ध हो जाए। यदि वही धन किसी कारण से अकारण ऐसे मदों पर खर्च हो जाए जिसका कोई रिटर्न नहीं है, जिसका कोई लाभ नहीं है, तो वहाँ व्यक्ति की आत्मा के अंदर खेद पहुँचता है, दुख उत्पन्न होता है, उसके मन कहीं न कहीं कुंठित हो जाता है कि मेरा पैसा गलत स्थान पर लग गया, मेरी धन हानि हो गई। तो उस खर्च के भाव को व्यय भाव के नाम से हम जानते हैं। इस व्यय भाव से सबसे पहले तो हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वह जातक दूरगामी दूसरे देशों की कितनी लंबी यात्राएं करेगा, उन यात्राओं का लक्ष्य क्या होगा, किन कारणों से जा रहा है, एक मनोरंजनात्मक अपने जीवन के अंदर एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है, या कोई लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए, किसी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी की उन्नति प्राप्ति करके, किन कारणों से वह एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर रहा है, इस यात्रा का विचार इस व्यय भाव से किया जाता है। व्यक्ति के अंदर कौन कौन से व्यसन दुर्व्यसन लगे हुए हैं, गांजा, भांग, अफीम, चरस, कोकीन, ड्रग्स इत्यादि जो भी लेता है, किन व्यसनों से वह कितने समय तक ग्रसित रहेगा, इस बात की जानकारी हमें यह व्यय भाव देता है। यह धन का दुरुपयोग भी कहलाता है, मतलब इन मार्गों पे अगर धन खर्च होता है तो वह शरीर और द्रव्य अर्थात धन दोनों की ही हानि करता है। व्यक्ति के आचरण, सदाचरण और दुराचरण, आदमी कितना दुराचरणों से ग्रसित रहेगा, गलत आचरण करके अपने आप को समाज के अंदर कलंकित करेगा, बदनाम करने वाला होगा, स्वयं के द्वारा या अन्यत्र किन्हीं लोगों के द्वारा, इस बात की जो जानकारी मिलती है वह भी इसी व्यय भाव के द्वारा हमें प्राप्त होती है। व्यक्ति को क्या अपने जीवन में कारावास का योग होगा, यानी कि जेल में उसको जाकर बंद होना पड़ेगा, और जेल जाने का कारण क्या बनेगा, कोई साधारण सा लड़ाई झगड़ा होगा, किसी की हत्या करके जाएगा, कोई बहुत बड़ा आपराधिक कार्य को अंजाम देकर जाएगा, कितने समय के लिए जाएगा, और वहाँ जाकर भी उसको अंदर भी दुखों की प्राप्ति होगी, या फिर साधारण रूप से वह अपना जो कारावास का समय है उसको काट के बाहर आ जाएगा। इन बातों की जानकारी जो होती है वह यह व्यय भाव यानी कि द्वादश भाव, बारवा भाव ही हमें देता है। उसके ज्ञात अज्ञात, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, गुप्त रूप से कितने मात्रा में शत्रु हैं, उन शत्रुओं के द्वारा उनको क्या क्या हानियां झेलना पड़ सकती है, या उन शत्रुओं का दमन करने के कारण इसको स्वयं क्या क्या आघात झेलना पड़ सकते हैं, इन बातों की जो जानकारी देने वाला है वह यही द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव है। उस व्यक्ति को दंड केवल समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा, घर परिवार के
इष्ट मित्र सगे संबंधियों के द्वारा किन कारणों से कब कब वो दंडों का भोक्ता बनेगा यानी उसको दंड भोगना पड़ सकता है, इसकी जो जानकारी देता है वह यही भाव देता है। एक धन वह खर्च होता है कि जिसको खर्च करने के बाद आदमी को संतोष होता है कि मेरा धन व्यवस्थित स्थान पर मैंने खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, इसको आज मैंने इतना खर्च किया है तो कल मेरे को ये इतनी अधिक मात्रा में अपना मूल और ब्याज के सहित पुनः प्राप्त होगा, इसका मुझे ये लाभांश प्राप्त होगा, वह संतुष्टिदायक धन होता है। और एक ऐसा अपव्यय हो जाता है कि जिसके जाने के बाद आदमी के मन में एक चिंता, एक शोक, एक प्रकार की पीड़ा व्याप्त हो जाती है कि ये मेरा धन गलत जगह पे चला गया, अब कभी ये लौट कर नहीं आएगा और इसकी मुझे प्राप्ति पुनः नहीं होगी, उसे हम अपव्यय कहते हैं। कहीं व्यक्ति के जीवन में ऋण यानी कि कर्ज की स्थिति बनेगी क्या? वह कर्ज कितनी मात्रा में कितना अधिक होगा? उस कर्ज का वह व्यक्ति अपने जीवन काल में भुगतान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? या उस कर्ज के कारण उसके जो कर्जदाता है जिनसे उसने कर्ज लिया है वे उसको रात दिन शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे और उसके कारण उसकी समाज में परिवार में कहीं ना कहीं बदनामी होगी, उसको कहीं ना कहीं जीवन में नीची नज़र करके अपने आप को आत्मग्लानी से भरा हुआ देखने के लिए प्रेरित तो नहीं होना पड़ेगा। ये सारी बातें भी इसी व्यय भाव के द्वारा ज्ञात होती है। व्यक्ति अपने जीवन में कहीं अपघात तो नहीं कर लेगा यानी कि स्वयं कर्ज से घिरकर या बहुत ज़्यादा धन खर्च हो जाने की पीड़ा के कारण किन्हीं भी कारणों से स्वप्रेरणा से अपने आप के जीवन को नष्ट करने वाला तो नहीं बन जाएगा, आत्मघाती तो नहीं बन जाएगा। अपघात का कारण जो बनता है उसके विषय में दर्शाने वाला यही भाव द्वादश भाव है। इसके द्वारा इस चीज का हम विचार किया करते हैं, उसके जीवन में घर परिवार में कितना किन कारणों से कब कब कैसे कलहपूर्ण वातावरण निर्मित होगा वह भी यही भाव दर्शाता है। जीवन में अच्छाइयों एवं बुराइयों के विषय में जो ज्ञात किया जाता है, बतलाता है, वह भी यही व्यय भाव ही दर्शाता है कि कौन व्यक्ति उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, कोई कौन बुरा व्यवहार करेंगे, या यह जातक स्वयं दूसरे व्यक्तियों के साथ अच्छा या बुरा किस प्रकार का व्यवहार करेगा, इन बातों की जानकारी यह द्वादश भाव ही हमें देता है। हानि, द्रव्य हानि, शारीरिक हानि, परिवार में अपने सगे संबंधियों से बिछुड़ने की हानि, किसी भी प्रकार से जो हमसे छूट जाता है उसको हम हानि में लेते हैं, वह हानि हमको कब कब किन कारणों से कैसे भोगना पड़ सकती है, चाहे वह द्रव्य की हो, चाहे व्यक्ति की हो, चाहे किसी अन्य वस्तु विशेष की हो, वह हानि किन कारणों से कब कैसे होगी यह हमें यही भाव दर्शाता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, छह चीज़ें हानि मैंने जो भी बताया, लाभ हम पहले जान चुके, जीवन सब व्यक्ति समझते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसे जीवन कहा जाता है, मरण मृत्यु को, यश हमारी कीर्तिपति का पता का दूर दूर तक फहरा है उसे यश कहा जाता है, और अपयश यानी कि हमारी मान प्रतिष्ठा को धक्का लगे, हमारी बुराई हो, हमारी लोग बहुत बड़ा समुदाय मिलकर निंदा करे, उसे अपयश कहते हैं। तो अपयश का दर्शाने वाला भी यही द्वादश यानी कि व्यय भाव कहलाता है। इस द्वादश भाव पे अगर शनि ग्रह आकर स्थित हो जाते हैं तो वह इस भाव के कारक ग्रह माने गए हैं, इसको बलवत्ता प्रदान करने वाले, बल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। यह भाव
व्यक्ति के जीवन में स्थान परिवर्तन को भी दर्शाता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जहाँ पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, उसका कार्य व्यवसाय चला और किन्हीं कारणों से उसे उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर अपने जीवन को संचालित करना पड़े, अपने जीवन की फिर से नई शुरुआत करना पड़े, इस प्रकार से, या जो नौकरी धंधे में होते हैं उनके बार बार स्थान परिवर्तन होते रहते हैं, तो जो स्थानांतरण होता है, स्थान परिवर्तन होता है, उसके विषय में भी यही द्वादश भाव दर्शाता है। विदेश यात्रा के विषय में भी इसी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इस द्वादश भाव के द्वारा वाम नेत्र यानी कि उल्टी आँख के विषय में और पैरों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि इनमें कब कब किन कारणों से कितने समय के लिए बाधाएं यानी कि रोग उत्पन्न होंगे और वे कब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे या बहुत इलाज कराने के बाद समाप्त होंगे, इत्यादि बातों की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है इस द्वादश भाव व्यय भाव के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आज हमारा यहाँ पर भावों से संबंधित जो एक प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव यानी कि बारहवें भाव तक के विषय में हमने चर्चा प्रारंभ की थी, उसका एक पटाक्षेप हो रहा है, एक अध्याय की समाप्ति हो रही है। जय माँ विद्यावासिनी, जय माँ पीताम्बरा। दोस्तों, जैसा कि अब तक पंडित जी से हमने ज्योतिष के बारे में जाना और समझा भी, तो अगर आपको भी अधिक जानकारी इस विषय पर चाहिए तो कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष से समाधान।